विदिशा कैसी रही ये बोट राइड, कितना एंजॉय किया? यू आर ईगरली वेटिंग टू गेट ऑन द बोट? आई हैड सो मच फन, बहुत मजा आया इतने सालों के बाद ये बोट राइड करके, सारे घाटों का दर्शन करके और लोगों को देख के, लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, बोट राइड कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आया। बहुत बचपन में आई थी ये सब करने के लिए, बहुत सालों के बाद आई हूँ इनफैक्ट में ये सब करने के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना बदल गया है, सामने अलग अलग चीज़ें हो गई है, उधर टेंट लगे हुए हैं, इधर घाट इतने अच्छे बन गए हैं, तो बहुत बदल गया, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे करके। ओके, महाशिवरात्रि का ये त्यौहार जो आपने अपनी शिव की नगरी में मनाया, उसका पूरा यू नो एक्सपीरियंस बताइए और कितना इन्जॉय करें हम? बहुत अच्छा, ये महाशिवरात्रि के मौके पे मैं आई, मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, इससे ज़्यादा मतलब खुश नसीबी और क्या हो सकती है कि ऐसे टाइम पे, इतने पवित्र समय पे मैं आई और दर्शन भी करने को मिल गया, अच्छे से गर्भगृह में दर्शन करने को मिला, और साथ साथ यहाँ पे आके घाटों के दर्शन हो गए। बहुत ही सीरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल बनारस आने का, भले थोड़ा छोटा था लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। समय कम मिल पाता है हमें आने के लिए यहाँ पे, लेकिन समय निकाल के आए हैं तो ऐसा लगता है कि अब खुश यहीं रह जाओ, यहीं बस जाओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ठीक है, लास्टली क्लोज करने के लिए आप बोल दीजिए कि मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, फिर बम बम बोले और हर हर गंगे। हाँ। मेरी यानी कि अनीता भाभी, यानी भैया थोड़ा एक सेकंड रुक जाता, मेरी यानी कि विदिशा श्रीवास्तव यानी कि आपकी प्यारी अनीता भाभी की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हर हर महादेव, बम बम बोले।